हेलो हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो हमारा फोटोशॉप पे है जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड आज का टॉपिक है हमारा ग्रेडियंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं एंड हम अपना डिज़ायरेबल साइज़ जो कि 1920x1080 है वो लेते हैं एंड क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। ओके एंड देयर वी गो, हमारा डॉक्यूमेंट खुल के आ गया है। सो सबसे पहले आई नो इट्स लुक्स सो वाइट एंड सो बोरिंग, सो लेट्स जस्ट पुट समथिंग हियर। टेक्स्ट पुट कर लेते हैं। यहाँ से आप अपना डिज़ायरेबल फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना चूज़ अ बिग डील या नो बिग डील। डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और ये डिफ़ॉल्ट हमारा लॉरम इप्सम, इसको हमें ये हमें नहीं चाहिए। सो इसकी जगह हमें चाहिए ग्रेड, यस ग्रेडियंट्स। और उसके बाद या तो आप यहाँ से ओके कर सकते हैं या यू कैन जस्ट प्रेस इंटर एंड डन। सो अभी आप देख रहे होंगे ये सेंटर में नहीं है, सो आप मूव टूल से इसको मैन्युअली भी सेंट्रलाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेडियंट। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड नीचे जाके ग्रेडियंट टूल्स या फिर आप जी प्रेस करके भी ग्रेडियंट एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट टूल होता क्या है, बेसिकली इट अलाउज यू टू मेक स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर कलर्स। सो आप इसमें दो और दो से ज़्यादा कलर्स का एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन बना सकते हैं आप। जब पहले हम क्या करते हैं, आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास टाइप्स कौन कौन से हैं। सो जैसा कि आपने जी प्रेस करके ग्रेडियंट्स को एक्सेस कर लिया है, सो यहाँ आप ऊपर टॉप में कुछ आइकन्स देख रहे होंगे। सो ये 5 आइकन्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट्स बनाने में। और ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसमें बेसिकली आप कलर सेट कर सकते हैं, 2 कलर या 3 कलर, या ये आपको डिफ़ॉल्ट दे रखे हैं। सो आप इसमें से डिफ़ॉल्ट भी चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आज मैं आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ही बताऊँगी यूज़ करना। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट वन। सो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले ये 5 ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं जो ग्रेडियंट्स के अंदर हमें मिलते हैं। सो पहला है हमारा लीनियर ग्रेडियंट। सो इसे अप्लाई करने से पहले हम कलर चूज़ कर लेते हैं। कलर चूज़ करने के लिए आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर जाके आपको, सिंस मैं आपको दो ही बताऊंगी, सो ये आपको फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका आपका कलर दिख जाएगा ब्लैक, एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास कलर पिकर आ जाएगा, फोटोशॉप की सबसे बेहतरीन चीज़। लेट्स गो विद रेड राइट नाउ, एंड फॉर बैकग्राउंड लेट्स जस्ट गो विद पर्पल। या ओके, हिट द ओके एंड ओके हियर टू लीनियर ग्रेडियंट टूल। सो बेसिकली ये एक लाइन में वर्क करता है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कितना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ इसमें फोरग्राउंड कलर से लेके बैकग्राउंड कलर में। सो फोरग्राउंड कलर हमारा रेड था एंड बैकग्राउंड हमारा पर्पल था। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप शिफ्ट दबा के सेंटर से बाहर तक ले जा सकते हैं जो कि आपको फोरग्राउंड से आपका बैकग्राउंड कलर देगा। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो आपके बैकग्राउंड पे सूट करे आप वो कलर चूज़ कर सकते हैं उस टाइप से। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वर्ड। सो सेकेंड, अब हम सेकेंड पे जानते हैं जो कि है हमारा रेडियल ग्रेडियंट। सो बेसिकली रेडियल ग्रेडियंट होता है क्या है, इसमें हम ये सेंटर से पूरा एस तक ले जाता है आपको। मैं आपको दिखाती हूँ, हम इसे सेंटर से ले जाके बाहर तक छोड़ते हैं। ये देख रहे हैं आप, हमारा जैसे फोरग्राउंड कलर रेड था एंड बैकग्राउंड हमारा पर्पल, तो जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो हमारा सेंटर पर रहेगा और बाकी ये पूरा कवर करेगा हमारा बैकग्राउंड कलर। सो नाउ द थर्ड वन, एंगल ग्रेडियंट। सो जैसा कि इसका नाम है ये एक एंगल पे ही वर्क करता है और घूम के वो ब्लेंड होता है 360 डिग्री पे। जैसे कि हम इसे ले जाते हैं टॉप टू बॉटम, शिफ्ट के साथ कर सकते हैं आप, तो आपका ये स्ट्रेट बनेगा लाइन। इससे हम काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एंड यूनिक यूनिक से बैकग्राउंड बना सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टाइप टू यूज़ ग्रेडियंट एंड बट इट्स अप टू यू, वट एवर यू प्रिफर, यू गाइस कैन एक्सपेरिमेंट। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कलर्स हैं, आप यहाँ 3, 4 या जितने चाहे उतने कलर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। सो ये हमारा फोर्थ है जिसका नाम है हमारा रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। करता है क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है अदर साइड पे आपको, ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको किया है। सो ये इधर इधर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो नाउ मूव ऑन टू द लास्ट वन। सो दिस इज कॉल्ड डायमंड ग्रेडियंट। सो ये डायमंड ग्रेडियंट, जैसे कि इसका नाम है डायमंड, सो एक्चुअली इट डज लुक लाइक अ डायमंड, सी दिस। सो
काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता पर मुझे काफ़ी पसंद है, हालांकि मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जैसे कि लाइट जैसा कुछ इफेक्ट होता है उस टाइप से हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैं इसको तब ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब मुझे कुछ छोटी छोटी सी डिज़ाइन, अभी इसको मैं सेकेंड वाला यूज़ करती हूँ, दिस इज़ लाइक फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। सो यहाँ पे हम अभी आप जैसे कि आप देख रहे थे कि मैं कुछ भी बना रही थी इस वाले पे, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड वाले में मैं कुछ भी बना रही थी तो सो जा रहा था वो। ओ बाय द वे कलर चेंज हो गया है, आपने नोटिस किया होगा। मैं कुछ भी बना रही तो जो पहला वाला है वो गायब हो रहा है। सो व्हेन वी चूज द सेकेंड वन फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, सी फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, सो इसमें क्या होगा कि नो मैटर हाउ मैनी वी मेक इट वॉन्ट डिसअपीयर। सी दिस, सो मान लीजिए कि अगर आपको किसी शेप पे अब अप्लाई करना है ग्रेडियंट, सो कुछ देर के लिए हम अपनी टेक्स्ट लेयर को हाइड करते हैं एंड लेट्स मेक अ शेप, एलिप्टिकल मार्किंग टूल सर्कल। सो इसको हम शिफ्ट दबा के इसका एक सर्कल बना लेते हैं। अब चलिए इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। ग्रेडियंट के लिए जी प्रेस करेंगे, ग्रेडियंट हमारा बॉक्स आ चुके हैं सारे ऑप्शंस। सो अभी मैं इसमें लीनियर वाला चूज़ करूँगी एंड लेट्स चूज आवर कलर, ग्रेडियंट ग्रेडियंट एडिटर हमारा ओपन हो चुका है एंड लेट्स गो फॉर पर्पल। पर्पल हमारा फोरग्राउंड हो गया, ओके एंड बैकग्राउंड हो गया हमारा। Go with this one, okay, and okay. Since हमारा linear selected है, ये हमारा one line to another जाएगा और ये मैं इसको drag करती हूँ यहाँ से यहाँ तक। देख रहे हैं आप कितना smooth transition होता from first color to second। मैं इसको bottom to top करती हूँ। See, that's the thing I love about gradient is that it gets better and better when you play around with the colors. अब इसमें मार्की रेक्टेंगल यूज़ करके भी दिखा देते हैं आपको, like this. हमारा जो टेक्स्ट है उसके पीछे एक हमारा ग्रेडियंट बैकग्राउंड हो। सो जी प्रेस करते हैं ग्रेडियंट के लिए एंड लीनियर सेलेक्टेड रहता है, रहने देते हैं एंड कलर्स भी सेम ही हैं, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कलर्स भी सेम ही रहने देते हैं एंड लेट्स प्रेस फ्रॉम हियर टू लुक एट दिस, इज़न्ट इट लुकिंग लवली। आई थिंक मुझे लगता है इसमें एंगल वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप प्ले अराउंड करिए इसके साथ, आई होप आपको अच्छा लगेगा ये। एंड सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर ज़रूर पूछ सकते हैं एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।